प्रथम तहलका न्यूज। इस हफ्ते के लिए बड़ी खबर सिरसा से है। आपको बता दें कि सिरसा में बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तालमेल कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के इशारे पर कर्मचारियों के तबादले का ये विरोध किया जा रहा है। जीएम रोडवेज पर कर्मचारियों ने मिली भगत करने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि अनुचित कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को डिपो में वापस भेजने की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। ये सब की बड़ी खबर है जो सिरसा से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सिरसा में बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तालमेल कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन किया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के इशारे पर कर्मचारियों के तबादले का ये पूरा विरोध किया जा रहा है। जीएम रोडवेज पर कर्मचारियों ने मिली भगत करने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि अनुचित कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को डिपो में वापस भेजने की मांग की जा रही है और मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो सिरसा से आ रही है। आज का जो हमारे कर्मचारी में रोसा गेट मीटिंग है, ये हमारे जीएम महोदय ने कल प्राइवेट छापोला ट्रांसपोर्ट के कहने पे, हमारा साथी सुरेंद्र सिंह कंडक्टर C-102 का ट्रांसफर अचानक एलनामद मार्ग से डबाली कर दिया, ताकि कर्मचारी सही रिसीट ना ला सके, सही ड्यूटी ना कर सके। इसके लेके प्राइवेटों को फायदा देने के लिए जीएम महोदय ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के कहने से कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे। पहले भी हमारे राम कुमार जी इंचार्ज से एलनाबाद, उनका ट्रांसफर उसी ट्रांसपोर्ट के कहने से, मालिक के कहने से इंस्पेक्टर का कर दिया था दूर। आज हम इसी कड़ी में इकट्ठे हैं और जीएम साहब को एक नोटिस भी दिया है भी कल 10 बजे तक या तो टाइम रहते हुए कर्मचारी का तबादला रद्द करके उसी रूट पर लगाया जाए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो उसको टाइम पर निकाला जाए, जो उसके आगे रूप से टाइम बंद किए जीएम साहब ने मिली भक्ति से, और टाइम चालू किए जाएँ। जब उसके आगे पीछे बस चलाते हैं तो रिसीट का बहाना करके ये बस बंद करवा देते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा था कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टों के हाथों में बेचने जा रहा है, जीएम भी इनके हाथों का खिलौना बन रहा है और कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। हम कड़े शब्दों में निंदा और चेतावनी देते हैं जीएम साहब को टाइम रहते हुए। ये कभी तो मंत्री का नाम लेते हैं, कभी किसी को नाम लेके मिसगाइड करते हैं, ऊपर से फोन आते हैं, कभी डिप्टी सीएम के फोन आ गया, कभी सीएम का फोन आ गया। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को, परिवहन मंत्री महोदय को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को कि हरियाणा रोडवेज की तालमेल कमेटी के सिरसा डिपो के किसी भी सदस्य के साथ भी अनहोनी करेगा, अत्याचार करेगा, तो सिरसा तालमेल कमेटी का हर आदमी इसकी मुहिम में शामिल होगा और ईंट से ईंट बजा देगा। कितने ही बड़े आंदोलन की घोषणा करनी पड़े हम करेंगे, डिपो स्तर पर भी कोनी स्टेट स्तर पर भी लेके जाएंगे। धन्यवाद।